हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ़ क्लास इलेवेंथ जोग्राफ़ी पार्ट टू चैप्टर वन इंडिया लोकेशन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड सो दैट यू कैन गेट मोर फर्दर अपडेट्स तो हम चैप्टर वन की बात करते हैं जिसका नाम है इंडिया एंड लोकेशन तो ये एक तरीके की इंडिया की भारत की क्या स्थिति है इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे ये बहुत छोटा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है so you have already seen the map of india in the previous classes now you closely examine the map of india mark the southern most and northern most latitude and the eastern most western most longitude इसका मतलब ये है कि पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं अब आपको भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखना पड़ेगा तो जितनी भी लैटिट्यूड है ये लेटी हुई लाइन लॉन्गिट्यूशनल लंबी रेखाएं, जो कि हम एक तरीके से कह सकते ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूट है तो इसका क्या चरित्र है और ये कैसा चित्रण है भारत में तो इसके आगे द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट तो भारत की मुख्य भूमि उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व के अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है इंडिया टेरिटेल लिमिट फर्दर एक्सटेंस टूवर्ड्स द सी अप टू ट्वेल्व नोलिटिकल माइल्स तो हम ये भी मान सकते हैं कि भारत का सीमांतन क्षेत्र समुद्र की ओर ट्वेल्व नोटिकल या नहीं तो हम कह सकते समुद्री मील या ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन किलोमीटर तक है जो कि कोस्ट में है कोस्ट को हम कह सकते हैं समुद्र के पास फैला हुआ तो ये एक कन्वर्सेशन का बॉक्स है कि इसमें कितनी माइल्स क्या हैं तो इसमें भारत में देखो सेल्यूटल माइल्स है सिक्सटी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी इंचेस नॉरिटिकल माइल्स है सेवेंटी टू थाउजेंड नाइन सिक्सटी इंचेस वन सेल्यूटल माइल अबाउट वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर दैट इज़ वन पॉइंट किलोमीटर एंड वन नॉटिकल माइल अबाउट वन किलोमीटर सो this is an interesting fact that we should remember. so we can see that our southern boundary extends up to 6 degree 45 minute north latitude in the bay of Bengal. तो हमारे देश में दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी, Bay of Bengal को हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं. तो six degree forty five minute हम कह सकते हैं latitude है and then It is written ki, let us try to analyze the implication of having such a vast location and latitudinal extent in India. So we have क्या latitude-longitudinal extent in India. Mein. If you work out the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 degrees. Whereas the actual distance measured from north to south is extremely 3214 km. एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ ओनली टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री किलोमीटर सो वी कैन से दैट कि यदि हम भारत के की रेखाएं देखें लैटिट्यूशनल एंड लॉन्गिट्यूशनल लाइन जो कि लगभग थर्टी डिग्री है और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार रूप है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टीन किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक है इसका टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री किलोमीटर So this is the chapter where we are carrying out the and knowing the longitudinal, as well as latitudinal lines in the given. So in the second line, it is given the difference is based on the fact of the distance between two longitudinal degrees towards the pole, whereas the distinguish, or distance between two latitudes remains same everywhere. Find out the distance between two latitudes. तो इसमें एक तरीके का क्वेश्चन भी पूछा है उसमें यह बताया है कि यह अंतर है एक आधारित और इसके बीच की दूरी हम नाप सकते हैं एक लैंगीट्यूशनल वैल्यू से दूसरी लैटीट्यूशनल वैल्यू तक तो इसके आगे बोला है कि फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सदरन पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक एंड नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल ज़ोन और वार्म टेम्परेचर जोन दिस लोकेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लार्ज फॉर्म क्लाइमेट सॉइल टाइप नेचुरल वेजिटेशन इन द कंट्री तो हम ये भी मान सकते हैं कि ये रेखाएं जितनी भी हैं ये हमें ज्ञात कराती हैं कि भारत का दक्षिणी हिस्सा एक तरीके का उष्ट कतिबंध है या उत्तरी हिस्सा एक हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल जोन उपजाऊ जोन है और ये एक कोस्ट में भी स्थित है तो ये स्थिति देश में एक अलग आकृति लेती है फॉर्म और ये एक तरीके का डिफरेंट हमारे भारत में क्लाइमेटिक वेरिएशंस लेके आती है जोनल वेरिएशन लेके आती है अलग अलग तरीके का सॉइल या हम कह सकते हैं मिट्टी के प्रकार यहाँ मिलते हैं हमें नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पतियाँ अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं और भारी भिन्नता है हमारी कंट्री में क्योंकि जिस तरीके का क्लाइमेट रहेगा उस तरीके का ही हमारा ज़मीन रहेगी सॉइल रहेगा नेचुरल वेजिटेशन रहेगी खाने पीने के भी तर्क वैसे ही रहेंगे So now let us observe the longitudinal extent and its implication on the Indian people. So, the logo Indian people? From the value of longitude, it is quite discriminable that there is a variation of nearly 30 degrees, which causes a difference between of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of the country. तो हमें ये पता चलता है कि थर्टी डिग्री का डिफरेंस है हमारे हर लॉन्गट्यूशनल वैल्यूज़ में तो इससे ये पता चलता है कि पश्चिम से लेके पूर्व से लेके पश्चिम तक हमारे दो घंटे का अंतर होता है तो इस समय को कहते हैं स्टैंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आई एस टी तो ये एक तरीके से हमारा एक मेन टाइम है या एक व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मेडिटेरियन इसमें पूछा गया है कि ये मानक यागोत्तर क्या होता है तो व्हाट इज वाइल द सन सनराइजेज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अबाउट टू आवर्स अर्लियर एज़ कम्पेयर टू जैसलमेर तो दॉचेज़ इन दिर इम्पाल इन द ईस्ट एंड जैसलमेर भोपाल चेन्नई इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंडिया दैट शोज द टाइम देन व्हाट डस इट हैपन्स ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो ये बताता है कि जब उत्तर से पूर्व तक जैसलमेर की तुलना जैसे सूर्य से दो घंटे पहले यहाँ पर सूर्य उदय हो जाता है पूर्व में डिम्बुर्गर इम्फाल इनमें सबसे पहले यहाँ पर सूर्य होता है जैसलमेर में दो घंटे बाद यहाँ पर होता है तो ये भोपाल चेन्नई तो ये जितनी भी जगह तो क्या यहाँ पर भी वेरिएशन करता है कि नहीं करता है तो एक और है लोकेशन ऑफ द चैप्टर में ब्रैकेट में लिखा है देर इज़ अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमॉर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सिलेक्ट द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन टाइम तो एक तरीके का जनरल एक तरीके से विश्व के देशों की अपनी समझ है कि वो स्टैंडर्ड टाइम कैसा लेना चाहती हैं तो ये उनको चुनना है चाहे वो एट्टी टू डिग्री नॉ थर्टी मिनट पूर्व से लें या वो फाइव घंटे के डिफ्रेंसीशन से फाइव और थर्टी मिनट के लें तो कुछ ऐसे भी देश हैं जिसमें पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक ज़्यादा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बने हुए हैं तो ये हर कोई अपने हिसाब से अपनी नियति के हिसाब से करता है और ये कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है तो ये है भारत का ये आप देख सकते हो बीच में जा रही है इक्वेटर की लाइन टॉपिक ऑफ कैंसर है और ये सारी स्टेट्स हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं इसमें स्टेट बाउंड्रीज़ हैं और इसके बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने क्लास नाइन्थ का भी इंडिया साइज़ एंड लोकेशन का चैप्टर बनाया हुआ है तो अगर आपको उसका डिटेल में पढ़ना है एक एक चीज़ तो यू कैन सी माय नाइन्थ क्लास चैप्टर वन वीडियो ये रहा दूसरा भारत का नक्शा एयर रूट से और सी रूट से इसको भी मैंने डिटेल में डिस्टिंग्विश करा है अपनी नाइन्थ क्लास की वीडियो में उसका मैं लिंक आपको नीचे भेज दूँगी ओके सो नाउ लोकेशन नेम ऑफ यू प्लेसेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन पास इंडिया विच इज़ द एरिया ऑफ़ थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर मीटर अकाउंट फॉर टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया स्टैंड सेवन लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड सो इट साइस हैज़ बीन अ लॉफ्टीनेस तो हम ये देख सकते हैं कि भारत के क्षेत्रफल थर्टी टू पॉइंट एट लैक है इसको हमेशा याद रखना आप किलोमीटर और टू पॉइंट फोर प्रतिशत भाग है तो इस प्रकार भारत विश्व का सातवा बड़ा देश है और इसके आगे की कक्षा में आप ये नौवीं कक्षा की पुस्तक में आप पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं तो बुक में भी ये बताया गया है कि कितना डिटेलिंग जरूरी है भारत के बारे में जानना सो नाउ साइज हम साइज के बारे में पढ़ेंगे इसमें द साइज ऑफ इंडिया हैज इंडाउंड विद अ ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी यू मे अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ लॉफ्टी माउंटेन इन द नॉर्थ लार्ज रिवर्स सच एज गंगा ब्रह्मपुत्रा महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी ग्रीन forested hills in the northeast and south india and the sandy expanse of marusthali you may further appreciate that bounded by the himalayas in the north hindukush Kush, Sunalene ranges in the northwest purvanchal hills in the northeast and by a large expanse of the indian ocean in the south it forms a great geographical entity known as indian subcontinent it includes the countries पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश एंड इंडिया तो भारत भारत के आकार से इससे विशिष्ट भौतिक विविधा प्रदान है उत्तर में ऊंचे पर्वत हैं गंगा है ब्रह्मपुत्रा है महानदी है कृष्णा गोदावरी कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में ये बहुत विध्याचल की पहाड़ियां हैं जबकि मरुस्थल में रेत है डेजर्टेड इलाका है तो उत्तर से हिमालय के पर्वत हैं उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश है सुलेमान श्रेणियाएँ हैं उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है कि सीमित ये बहुत ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कंट्रास्ट है कि यहाँ पर सब कुछ पाया जाता है या हिंद महासागर की सीमाएं हैं भौगोलिक इकाई है तो जिसे भारत में हम कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश और भारत के आसपास के क्षेत्र भी आते हैं सो आगे जो लिखा है द हिमालय टुगेदर विद अदर रेंज हैव एक्टेड अ फ्रॉमेडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास एक्सेप्ट फॉर अ टू माउंटेन पासिस सच एसर एंड द बोलेन एंड शिप किला नथुआ बॉन्डिला इट इज डिफिकल्ट टू कॉस्ट इट तो हम ये जान सकते हैं कि भूतकाल में या आज के प्रेजेंट में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधिक भूमिका निभा रहा है चाहे वो खबैर हो बोलान हो शिल्प किला हो नुथेन हो बमोडिला हो तो ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी हैं जो हिमाचल पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीपों में एक अद्वितीय श्रेणी अपनी पहचान और स्थिति पाई हुई है तो भारत का एक तरीके से भौतिक मानचित्रण है हमारे पास और इसके विविध कारण भी हैं ये कश्मीर से कन्याकुमारी राजस्थान से जैसलमेर जैसलमेर से मणिपुर के मतलब एक यात्री तो प्रियदीप है महासागर है जिसको हम इंडियन ओशन नाम से जानते हैं दिस हैज प्रोवाइडेड द कंट्री विद अ कोस्ट लाइन इसने यहाँ पर महासागर के पास एक हमें रेखा दीप भी दिया हुआ है कोस्ट लाइन का जो कि सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड किलोमीटर है और ये सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सेवनटीन किलोमीटर की एक इंटायर जोग्रफ़िकल लोकेशन है जो आधी आती है पूरे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से नीचे तक और इस साइड अरेबियन सी के यहाँ पर तो द आईलैंड ग्रुप ऑफ अंडमान निकोबार located इन the बे ऑफ बेंगाल एंड the Lakshadweep इन the Arabian सी तो ये इंडिया एज अ कंट्री ऑफ फिजिकली डाइवर्स लैंड प्रोवाइडिंग ऑकरेंस ऑफ वेरी रिसोर्सिस तो ये एक तरीके का इंडिया को हम बोल सकते हैं एक लैंड जो कि हम भारत एक स्थिति है जहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि क्या क्या जगह पर है कहाँ पर क्या है क्या है इसकी नेबरिंग कंट्रीज कहाँ कहाँ इसका बॉर्डर मिलता है एक्सटेंड करती है तो एक तरीके से इंडिया एक ऐसा सेंट्रल नॉर्दन नॉर्दन हेमिस्फीयर हम इसको बोलते हैं और एक ऐसे जोग्राफ़िकल लोकेशन पे आता है ये कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं राज्य हैं ये सब इनके नेबर्स भी हैं तो हमारे पड़ोसी क्षेत्र भी हैं जैसे हो गया श्रीलंका भूटान China, Pakistan, Afghanistan, these are our neighboring countries. So India has provided link in its neighboring region through the sea and air routes. तो so हम जान सकते हैं कि समुद्री या आ, हिंद महासागर का रास्ता एक तरीके का trade provide करता, है. air route भी है हमारे यहाँ तो ये एक तरीके से क्वेश्चन दिया है कि आप लिस्ट बनाइए क्या क्या नेबरिंग कंट्रीज हैं आपकी फिर एक नीचे है श्रीलंका मालदीव आर द टू आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन विच आर आर नेबर्स तो हमारा श्रीलंका मालदीप मालदीव हिंद महासागर में स्थित हैं ये द्वीप भी हमारे देश के पड़ोसी हैं सो so, श्रीलंका है सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ़ ऑफ म्यांमार एंड पार्क सी तो श्रीलंका भारत के मातर की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग करी गई है या इसको कह सकते गल्फ ऑफ पाक स्ट्रेट तो डू यू थिंक द फिजिकल बैरियर इज़ अ हिंड्रेंस इन इंट्रैक्शन विद आ नेबरिंग कंट्रीज इन मॉडर्न टाइम सो गिव अस सम एग्जाम्पल डू यू रिमेंबर तो ये तरीके का सोच है कि आज भी आधुनिक युग में हम भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देश से अत्यंत क्रिया में बाधक हैं तो हमें क्या इस प्रकार भौतिक दूरियां दूरी पैदा करती हैं कि यात्रा में हमें संघर्ष पानी है और आपको इस चैप्टर की पूरी डिटेल्स मैं नीचे दे देती हूँ तो आप मेरी नाइन्थ की पार्ट वन पार्ट टू भी देख लोंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इंडिया जोग्राफिकल जो एंड लोकेशंस तब तक के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी तो आई विल गोइंग टू अपडेट यू प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू